नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बेड किस फैमिली में। आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेरी इस संदर्भ में आ रहे थे कि 1 वर्षीय बीएड कब से प्रारंभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में 3 तरह के बीएड के लिए सिफारिश की गई है, जिसमें पहला 1 वर्षीय बीएड, दूसरा 2 वर्षीय बीएड और तीसरा 4 वर्षीय बीएड होगा। 1 वर्षीय बीएड जो होगा उसमें एंट्री के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। दूसरा जो 2 वर्षीय बीएड होगा उसमें ग्रेजुएशन के बेस पर अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा जो 4 वर्षीय बीएड होगा वह इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, जिसको पहले ही एनसीटीई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है और उसमें इंटरमीडिएट के बाद से आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको बीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन की भी डिग्री एक साथ मिलेगी। ये हो गई कोर्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी। और कब से शुरू होगा इसको कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक एनसीटी की तरफ से इस 1 वर्षीय बीएड को मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक यह कोर्स प्रारंभ नहीं होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के बातों का बहुत ज़्यादा विशेष या फिर प्रावधान करके इसको नियम बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थे, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें भी पहले से बात की जा रही थी कि शिक्षा पर कुल बजट का 6% खर्च करना होगा, लेकिन आज तक उस सिफारिश को कभी भी अमल में नहीं लाया गया और मुश्किल से कुल बजट का 3% ही देश भर में खर्च किया जाता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई तो जाती है लेकिन उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता है। तो ये कह पाना अभी मुश्किल होगा कि 1 वर्षीय बीएड को मान्यता एनसीटी की तरफ से कब तक मिलती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बेड के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।